मगर चलने में वाला है कमल का फूल और कुछ नहीं चल रहा। मुसलमान हो गए, जाट, गुजर, त्यागी, सारी समाज इकट्ठी। मुसलमानों की 40% वोट कम से कम बीजेपी को पड़ेंगे, 40% वोट। काम ये समझ में आ रहा है, निसंकोच यहाँ बैठे हैं, चाहे जो हो जाए। रात को 12 बजे तक दुकान पे बैठते हैं, पहले रात को 8 बजे, 8:30, 10 बजे भाग जाते थे। जिनके मकान है तो ना मकान मिल गया, खाना खुआन मिल गया, और क्या चीज है। मौज मारो, बीजेपी की सरकार है तो अपने जी। माहौल कुछ अलग सा लग रहा है, कुछ नए नए लड़का ही बजेगा। बाबा का जादू चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है। बादू कुछ नहीं चलना का, बुलडोजर की हवा चल रही थी। ना ना चलने की ना, जट्टों के सामने ना चले, ना चले। सारे काम हो रहे हैं, सारे विकास हो रहे हैं, सब काम, सारे काम बढ़िया हो रहे हैं, तो फिर क्या जरूरत है दूसरी पार्टी के लिए। नलका भी चल रहा है यहाँ पे, 5 तारीख तक ही चलेगा, उसके बाद बंद। अच्छा। बाबा के नाम पे ठोके जाएंगे। हाँ जी, योगी और मोदी। हाँ, लग रहा है आपकी बात। आपका नलका क्यों, इनसे छक लिए सब, किसान तो छक गए सब। नहीं, जो छक गया वो चले जाओ बाहर को, हमें तो जो है देश को देखना। हमें पहले देश है, फिर समाज है। जब हम जंगल में पहले जाए थे तो कहीं तो लूटने का डर था, कहीं गाय का डर था। अब तो गाय का भी डर नहीं, आराम से जाओ, पैसे लेकर जब घूमो कहीं भी घूमो। माहौल क्या भैया, बीजेपी आएगी और तो कोई विकल्प ही नहीं है हमारे लिए। अच्छा। दोस्तों नमस्कार, खबर इंडिया की टीम पहुंची हुई है खतौली विधानसभा में और यहां के व्यापारियों का मूड जानने की कोशिश करेंगे। आखिरकार व्यापारियों के दिल में क्या है और क्या मन बना करके बैठे हुए हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मनोज गोयल। गोयल साहब, आपकी बार क्या लग रहा है उपचुनाव में? बीजेपी। बीजेपी क्यों, क्यों का क्या मतलब? सारे काम हो रहे हैं, सारे विकास हो रहे हैं, सब काम, सारे काम बढ़िया हो रहे हैं, तो फिर क्या जरूरत है दूसरी पार्टी के लिए। नलका भी चल रहा है यहाँ पे, 5 तारीख तक ही चलेगा, उसके बाद बंद। अच्छा। तो भाई साहब ने तो कह दिया। क्या नाम है भाई साहब? कृष्ण कुमार नाम है जी। क्या लग रहा है आपकी बार, माहौल क्या दिखाई? बीजेपी क्यों? देखो बीजेपी की वोट नहीं कटती। हाँ। जिसने बीजेपी को वोट दी ना, वो फिर बीजेपी को वोट देगा। क्या मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे तो यही है बस, मुद्दा क्या है, सब काम कर रही गवर्नमेंट, बढ़िया काम कर रही। मतलब बाबा के नाम पे ठोके जाएंगे? हाँ जी, योगी और मोदी बस। बस योगी सब। क्या नाम है? योगी और मोदी है जी। क्या नाम है आपका? पप्पू। क्या लग रहा है आपकी बात? आपका नलका क्यों, इनसे छक लिए सब, छक लिए किसान तो छक गए सब। हाँ। सब गुजर, सब जाट, त्यागी, सब एक सब बजारा, मुसलमान हो गया, सब इकट्ठा हो गया। भाई साहब आपका क्या दिल कह रहा है? दिल जी, दिल तो मारा बीजेपी। अच्छा, ये तो कह रहे कि सब छिक गए आपकी बार तो नल पे। नहीं, जो छक गया वो चले जाओ बाहर को, हमें तो जो है देश को देखना। हमें पहले देश है, फिर समाज है। कह रहे एक विधानसभा से ही क्या हो रहा है, एक बार इन नल को दे दें तो। नहीं होने, सरकार तो बाबा की बनी है। नहीं, सरकार बन रही है पर हमें तो अपने अपने क्षेत्र को तो देखना है। मेरे क्षेत्र को कौन देखेगा? मदन भैया वहाँ से लोनी से आ गए, कौन जाएगा? जब हम जंगल में जहाँ, जब हम जंगल में पहले जहाँ थे तो कहीं तो लूटने का डर था, कहीं गाय का डर था। अब तो गाय का भी डर नहीं, आराम से जाओ, पैसे लेकर जब घूमो कहीं भी घूमो। अब कोई किसी तरह का डर नहीं है? हमें तो है नहीं है। लाइट की समस्या समाधान हुआ नहीं हुआ? लाइट का, किसानों की लाइट की समस्या का बड़ा समस्या रहती थी। नहीं, समस्या कुछ नहीं है, टाइम से आ रही, टाइम से जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब लाइट तो कभी जीवन में मैंने इतनी नहीं देखी, मेरी 50 साल की एज है, मेरी कभी लाइट इतनी नहीं आई। मोमबत्ती ले लेके काम करे हमने, खत्ते मोमबत्ती लेके करे, बढ़े मोमबत्ती में, आज लाइट 22 घंटे आ रही है। मतलब ये बदलाव है? बदलाव है, बिल्कुल बदलाव है, और बदलाव होगा, और होगा। क्या भाई साहब? बदलाव तो यही है कि बीजेपी सरकार ने जो है निपक्ष होकर कार्य कर रही है। हाँ। किसी का ये नहीं देख रही कि कोई क्या कर रहा है, सब कुछ बहुत आराम है। अब की बार तो यहाँ नलका चल रहा है, समीकरण कुछ और बन गए? कुछ नहीं है, जो जिस पार्टी का होता है वो उसी पार्टी के लिए बोलता है। हाँ। मगर चलने में वाला है कमल का फूल और कुछ नहीं चल रहा। मुसलमान हो गए, जाट, गुजर, त्यागी, सारी समाज इकट्ठी। मुसलमानों की 40% वोट कम से कम बीजेपी को पड़ेंगे, 40% वोट। जिन मुसलमानों ने हमारे बीजेपी वाले सरकार से अनाज लेके खाया है, वो उनको गद्दारी कोई करेंगे, वफा करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान बीजेपी के साथ नहीं है, वे भी 40% कम से कम साथ है। 1.5 लाख वोट है मुसलमानों की? ऐसा कुछ नहीं है, 1.5 लाख अगर उनके वोट है तो कम से कम 40,000 तो बीजेपी के हिस्से में होंगी होगी, ऐसा नहीं है। जाट तो नाराज बैठा? कोई नाराज नहीं है, सब नाराज, नाराज तो आदमी है या दूसरे से सब रहता ही रहता है। हाँ। मगर जीत जो है वो हमेशा ही कमल के फूल की हुई है और कमल के फूल की रहेगी। तो बाबा का कुछ काम समझ में आ रहा है? काम ये समझ में आ रहा है, निसंकोच यहाँ बैठे हैं,
चाहे जो हो जाए, रात को 12 बजे तक दुकान पे बैठते हैं, पहले रात को 8 बजे 8:30 बजे 10 बजे भाग जाते थे। ये तो पब्लिक है, 2 साल फ्री गेहूं भी तो हमने खाया, उसे खाने के बाद भी हम उसे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करा। क्यों नहीं करा गवर्नमेंट ने कुछ? कैसे नहीं करा गवर्नमेंट ने कुछ? फ्री का माल का मजा तो हम ले रहे हैं और फिर कहते हैं कि योगी जी ने कुछ नहीं करा, मोदी जी ने कुछ नहीं करा। क्यों नहीं करा? मकान नंबर है उनके, मकान मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, और क्या चाहिए? मुंह में रोटी देना भी वही। अच्छा, क्या लग रहा है माहौल? और सही है जी। किसको दे रहे हैं? कमल के फूल को देंगे। हाँ, भाजपा को। जितना गरीबों को लिए उन्होंने करा, इतना कुछ आज तक किसी कानून ने किसी दे प्रदान ने करा नहीं। अच्छा। हाँ, कांग्रेस ने करा ना किसी ने करा। यह नाज गोदामों का क्या कहते, सड़क रहता खत्म में गिरे था, अब जनता के काम में आ रहा, सारा जनता को खुआ रहे हैं। गरीब आदमी झोंपड़े पड़े तो उन्हें मकान मिल रहे साहब। तो बीजेपी इसलिए सही है साहब। सही कह रहे हैं चाचा, ये बिल्कुल सही कह रहे जी भाई जी, बिल्कुल जो है जिनके मकान है तो उन्हें मकान मिल गया, खाना को मिल गया, और क्या चीज है? मौज मारो, बीजेपी की सरकार है तो अपने जी हथौली में तो आवेगी ना बीजेपी, बीजेपी आवेगी हथौली में गारंटीड, पक्का बिल्कुल। मदन भैया का तो जो भैया है, क्या नाम है साहब? अमित कुमार। तो क्या लग रहा है साहब आपकी? लड़का बजेगा, लड़का बज गया, पक्का पक्का। माहौल कुछ अलग सा लग रहा है? नहीं नहीं, लड़का ही बजेगा। अरे बाबा का जादू चल रहा है, बुलडोजर चल, जादू बादू कुछ नहीं चलना का। अरे बुलडोजर की हवा चल रही ना, ना चलने की ना, जट्टों के सामने ना चले, ना चले। संजीव बालन तो टाल ठोक रहे के जाट तो हमारे साथ है। नहीं कहो जाओ, वो कहो जाओ, संजीव बालन जाट नहीं है क्या? नहीं जाट है वो भी, क्यों ना मानते साहब अपने साथ? नहीं, अब कैसे मान लेंगे जयंत को? जयंत को मान रहे हैं आपका? जयंत को तो पहले से ही मानते आए, आपकी बात संजीव बालन को देख लो, अब का मान लेंगे जयंत को, बोलो मान लेता। अच्छा, चलो साहब, इन्होंने तो टाल ठोक दी आपकी बार तो और कुछ बात और करेंगे। भाई साहब क्या नाम है? सुहेल नाम है भैया। क्या लग रहा है माहौल क्या भैया? बीजेपी आएगी और तो कोई विकल्प ही नहीं है हमारे लिए। अच्छा जी, मन बना लिया? मन बना लिया क्या, कोई विकल्प भी तो नहीं है ना इसके अलावा, बताओ। मदन भैया अभी कौन सी सरकार है बताओ? कोई भी नहीं है ऐसा कोई। बात सही है। तो और लोगों से, व्यापारियों से बात करने की कोशिश करते हैं, आखिरकार व्यापारी क्या चाहते हैं? बाबूजी क्या नाम है आपका? एजाज, एजाज अहमद। एजाज जी, क्या आपकी बार प्लान बनाया हुआ, क्या मन बनाया हुआ? क्या मन बनाया? भाजपा आती है तो वैसे तो, लेकिन मदन भैया का भी जोर है आपके यहाँ पे। बराबर, किसके साथ है? हम दोनों के साथ हैं फिलहाल। तो फिर कैसे करेंगे? ईवीएम तो एक ही मिलेगी, ईवीएम तो एक ही मिलेगी, टाइम पे बताएगा कि क्या करना है उस टाइम। तो योगी जी का कार्य कैसा लगा? योगी जी का काम बहुत बढ़िया है। ऐसे क्या काम अच्छे लगे? सारे काम अच्छे करे उन्होंने। देखो, सबसे पहले तो यह है, गुंडागर्दी खत्म कर दी उन्होंने यहाँ पे, और उसके अलावा भी, और भी जो राशन वगैरह दे रहे हैं, सारा अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया। कह रहे हैं कि जब बीजेपी की बात आती है तो कहते हैं हिंदू मुसलमान करने लगती है, कहीं आपको लगता है इस तरह का? नहीं, ऐसा नहीं है। कभी आपको मन भेद लगा हो कि ये हिंदू है ये मुसलमान है, कभी इस तरह की? ये तो नेता लोग करते हैं ये बातें तो, और ये नेता लोग ही भ्रम पैदा करते हैं, वरना पब्लिक के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप बाजार में बैठते हैं? हाँ, भाईचारे के साथ रहते हैं हम तो, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें बिल्कुल। जैसे आप प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं कि जी हम तो योजना भेजते हैं तो सभी के लिए भेजते हैं, ना हम मुसलमान का फर्क करते हैं ना हिंदू का, तो जब आप बाजार में रहते हैं तो कभी ऐसा भेदभाव नजर तो नहीं आता? नहीं नहीं, ऐसा कोई भेदभाव नजर नहीं आता, सबके लिए होती है योजना, ये है उनके सबके लिए है। हमारे एक भाई हैं रिश्ते के, उन्हें योजना मिली है मकान बनाने के लिए, उन्हें 2.5 लाख रुपए उनके आए हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास? प्रधानमंत्री आवास के लिए। क्या नाम, किसको मिला है? इकरार अहमद के नाम से आते हैं। अच्छा, भाई हमारे लगते हैं, भाई लगते हैं, मतलब योजना पूरी पहुंच रही है? हाँ, योजना पहुंच रही है पूरी। जी जी, मतलब खुश हैं? खुश है हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। अरे नहीं, भाजपा के राज में कोई दिक्कत नहीं, भाजपा के राज में। अच्छा, हाँ, तो ये खान साहब ने तो मन बता दिया, और लोगों से भी बात करेंगे, आखिरकार दिल में क्या है? बाबूजी बड़े, बाबूजी क्या नाम है आपका? हाँ, हम तो तुम्हारे पास बैठने आए। अच्छा जी, क्या नाम है? महेंद्र नाम है जी। महेंद्र जी, तो उम्र बहुत है, बहुत आरटी पार्टी जाती आती देखी होंगी, अब की बार किसके साथ हैं? हम तो जी लड़के की गैल हैं। लड़के की गैल हैं, हाँ। काम वाम अच्छा करते हैं? हाँ, काम तो ठीक ही चल रहा है, ये भाग गए इनका पता लग जाएगा। अच्छा, तो भैया तब योगी जी भाई, इनका और का मुझे पता नहीं कुछ। योगी जी समझ नहीं आए? मैं नहीं समझ पाया भैया, मैं तो बिना पढ़ा मुझे क्या जान। कह रहे योगी जी आए यहाँ खतौली में सभा करके आए गए, मुझे नहीं पता भैया। अच्छे आदमी है ऐसे बताते हैं? हाँ, मुझे नहीं पता बाप जी, मेरा गांव का आदमी हूँ। अच्छा, बस गांव का है इसलिए साथ जा रहे हैं। हाँ, क्या नाम है भाई साहब? मनोज बंसल। बंसल साहब, क्या दिख रहा है आपकी बार माहौल, क्या किसके साथ जा रहे हैं? योगी के साथ। क्यों? बस क्यों का तो कोई जवाब नहीं होता जी। पसंद आ रहे काम?
ठीक लग रहा है कि इधर अब की बार तो जयंत का नल चल रहा है, मदन भैया आ गए हैं। ठीक है, वो सबकी अपनी अपनी पसंद है जी। हाँ। अपनी अपनी पसंद है सबकी। तो मन बना लिया अब की बार? पक्का। गोयल साहब ने तो मन बना लिया है। और इधर कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है? महेश चंद। मंद मंद मुस्कान रहे? जी। क्या है इस मुस्कान का राज? बस आप लोग आ गए, बहुत है। किसके साथ जा रहे हैं? अभी तक तो कुछ नहीं पता जी, परसों के सोचेंगे किसके साथ जाएंगे। अच्छा जी। अभी डिसाइड नहीं किया, अभी बैठक होगी। अभी बैठक होगी, पूरा समाज इकट्ठा होगा आपकी बार यहाँ ठोक दो। उसके बाद किस पे ठोक रहे हैं? पता चलेगा परसों के बाद। योगी जी के साथ तो चलना ही चलना पड़ेगा। बैठक तो हो गई अब तो है। जी जी जी। योगी जी, योगी जी काम पसंद आ रहा है? बेहतरीन, लाजवाब। जब योगी जी की बात आती है तो, और चुनाव की बात आती है तो हिंदू मुसलमान होने लग जाता है। ये सब मेरे पास मुस्लिम ही हैं और लगभग ये समझो कि परिवार जैसे सदस्य हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी कहीं तक भी नहीं। और मुद्दत हो गई, ये मुस्लिम वो मुस्लिम, हम तो रहते हैं मुस्लिमों के बीच में, हमें तो कोई दिक्कत है नहीं आज तक। सभी खुश रहते हैं? लाजवाब। योरा बेटा साले का नाम लो तो छोटा भाई है, ये भतीजा बैठा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब होती रहो, कहाँ क्या हो रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, हमारे यहाँ बहुत अच्छा है। भाई साहब ने तो कह दिया। भाई साहब क्या नाम है आपका? नाम इंतजार है मेरा। है इंतजार? इंतजार जी। कहाँ तक इंतजार करें अब? बस अब तो समाप्त हो गया मामला। इंतजार कहाँ जा रहे हैं अब, इंतजार खत्म हो गया। नमाज पढ़ गया हूँ। अच्छा। जी तो उपचुनाव है, चुनाव का भी समय खत्म होने जा रहा है, इंतजार भी खत्म हो जाएगा, तो आप किसके साथ जा रहे हैं इंतजार जी? हम गठबंधन के साथ हैं। अच्छा। बिल्कुल पूरे जोरों शोरों के साथ। पक्का माहौल लगा इंशाल्लाह। योगी जी का काम पसंद नहीं आया? बस अपना अपना पसंद की बात है, अपना ये तो एक अधिकार है, आदमी अपनी पसंद से वोट करेगा। बिल्कुल। बस योगी जी की बात करें तो प्रदेश में सरकार चल रही है, उनका काम कैसा लगा आपको? ठीक है, बेहतर है, उनका भी काम बेहतर है। हर आदमी का अपना अपना नजरिया होता है, या नहीं? मुझे अब की बार मदन भैया को वोट करना है बस। और योगी जी की अगर हम बात करें तो कभी ऐसा लगा कि वो योगी जी जब से प्रदेश में आए हैं, दोबारा बनी है सरकार, कभी मुसलमानों में और हिंदुओं में कुछ भेदभाव सा नजर आया हो? यो तो उनका काम है, वो तो वही करते हैं। इंतजार को समझ आया क्या इस तरह का? हाँ, वो सभी को सब समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं, उनका तो यही काम है, भेदभाव, हिंदू मुस्लिम झगड़े फसाद, कोई विकास का काम नहीं, बात नहीं, कोई मतलब के किसानों की बात नहीं करी। अभी आए थे माननीय हमारे विधायक, वो मुख्यमंत्री जी, सिर्फ क्या है कि बस जो उन्हें कहना था, जो वो हमेशा ही देता आए हैं, वही भाषण उन्होंने दिया। तो कभी आपको ऐसा लगा कि कोई योजना सरकार से आई हो कि ये देख करके हुई हो, ये मुसलमान के लिए, ये हिंदू के लिए? नहीं, ऐसा तो नहीं है। योजना देखो सभी के लिए बराबर होती है, ऐसा नहीं है तो कि हाँ तो भेदभाव नहीं दिखाई दिया? देखो ऐसा है, बस उसके बारे में मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं है, बस जितनी नॉलेज थी। दंगे फसाद की बात आपने की, दंगे फसाद की, जब से योगी की सरकार बनी है ऐसा कोई दंगा हुआ उत्तर प्रदेश? मैंने दंगे फसाद की बात नहीं करी। हाँ। मैंने ये बात नहीं कही आपसे, मैंने कहा कि वो तो इस तरह के भाषण देते हैं। हाँ। भेदभाव वाले, मैंने सिर्फ ये बात करी। इससे पहले की अगर सरकार की बात करें तो कई ऐसे बहुत बहुत बड़े बड़े दंगे हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या तब से योगी की सरकार आई तब से कोई एक दंगा देखने को मिला? नहीं, वो उस वक्त की बात थी, नहीं हुआ, पर छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं, बहुत होती हैं आज भी, ऐसा नहीं है कि कोई कुछ होता नहीं, बहुत कुछ होता है आज भी। एक तो एग्जाम्पल? बस एग्जाम्पल तो आपको सब पता, मीडिया वाले हो, मैं तो एक मतलब आम नागरिक हूँ, मजदूर आदमी हूँ, या नहीं? आप सब जानते हैं आम नागरिक की जो आवाज़ है वो बहुत दूर तक जाती है। बस मेरी तो जो बात थी मैंने आपसे बता दी, ठीक है? नहीं, हम गठबंधन के साथ हैं, बहुत जोरों शोरों के साथ। मन बना लिया पूरा? तो इन्होंने तो मन बना लिया। भाई साहब क्या नाम है आपका? मैं नमाज का वक्त हो रहा, बाद में बात। जाइए जाइए जाइए। तो और व्यापारियों से भी बात करेंगे, तो आखिरकार व्यापारी वर्ग क्या चाहता है और क्या मूड है व्यापारियों का? तो ये खतौली का बाजार लगता है और खतौली के बाजार में थोड़ी सुना सा तो पड़ा है। बाबूजी क्या नाम है आप? मेरा नाम मदन पाल जी। तो कहाँ से आते हैं आप? रायपुर नंगली। अच्छा, तो चुनाव है, वोट किसको कर रहे हैं? भाजपा को। नहीं, भाजपा है हमारा। अच्छा भाई, हमारा मतलब काम हमारे समझ पसंद आ रहा, बुलडोजर पसंद आ रहा, पसंद आ रहा बुलडोजर। हाँ, काम जब भी चलेगा। हाँ, गुंडा जगह जगह बुलडोजर घुमा घुमाऊंगा, जो गुंडागर्दी खत्म।
हमें और कुछ चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे भाई साहब, हम तो शुरू से ही भाजपा में जी, हमारा भी हम तो वोट भाजपा ही को देंगे। बुलडोजर पसंद आ गया, कमल का फूल, गुंडागर्दी खत्म, गुंडागर्दी खत्म, हाँ जो तानाशाही था वो खत्म होगी। अच्छा। अंदर बढ़ के सब। ओ, ओ, क्या नाम है आपका? उमेश त्यागी जी। त्यागी जी आप किधर जा रहे? हम जाएंगे जी नलके पे। नलके पे? हाँ। मतलब नाराज हैं आपकी बात? बिल्कुल पक्के नाराज हैं। इसने किसानों का कुछ नहीं बढ़ाया, 5 साल में 25 रुपए बढ़ाए, 8 साल में। ऐसा तो नहीं वो श्रीकांत त्यागी को जेल भेज दे इसलिए त्यागी नाराज हो गए? उससे भी नाराज हैं, उससे भी नाराज हैं, उससे भी नाराज हैं। अच्छा। हाँ जी, मतलब कहीं ना कहीं वो टीस है कि जिस तरह की कार्रवाई हुई। हाँ, वो गलत हुई और अकेले आदमी पे हुई, दोनों तरफ से नहीं हुई कार्रवाई, एक तरफा हुई। उसकी घरवाली को जबरदस्ती उसे जेल में ठूंस दिया गया और शाम के टाइम कोई अरेस्ट नहीं कर सकता उसको। मतलब बोर्ड की चोट से आपकी बार जवाब दिया जाए? जवाब देंगे। तो कह दिया अपनी? नहीं जी, हम तो भाजपा के आदमी हैं, हम भी भाजपा, हमें भाजपा के, हम भी भाजपा के, समझ, अपने वोट कहीं भी दे सकता है आदमी, वोट स्वतंत्र है, कहीं भी जा सकता है। तो ये यहाँ के लोगों की राय है। खान साहब एक मिनट समय दे दीजिए, क्या लग रहा है माहौल? वो माहौल का हमें कुछ पता नहीं, हम तो खेती करने वाले आदमी। क्या बोया हुआ है खेती में? गन्ना बो रखा है। क्या बीघे होगा? 25-30 बीघे। तो कह रहे कि योगी जी ने बिजली अब रात की जगह दिन में कर दी, उससे कुछ फायदा हुआ किसानों को? नहीं हुआ फायदा, तो सबसे ही हो यार, नहीं भी होता फायदा क्या करा। चुनाव में वोट होने वाली है, 2-3 दिन बाद वोट हो जाएगी, किसके साथ दे रहे हैं वोट? हम तो नड़के को वोट देंगे, मदन भैया को। हाँ। मन बनाया हुआ है? मन बनाया है। क्या मुद्दे रहेंगे अब की बार उनको वोट करने के? क्या सोच करके वोट दे रहे हैं? मुद्दा तो किसी के पास भी कुछ नहीं सब वादे करना होता कुछ है नहीं। क्या नाम बताया आपने? आखिर नाम है। क्या नाम है भाई साहब? संजीव त्यागी। त्यागी जी हैं आप तो, त्यागी समाज अब की बार कहाँ जा रहा है? त्यागी समाज 90% मदन भैया में जा रहा। ऐसा क्यों? योगी जी से नाराजगी क्यों? कैंडिडेट का पागलपन। हाँ। कैंडिडेट का पागलपन, लोगों को उलफजूल बातें करना, और कोई फिर त्यागी कोई बीजेपी के कोई जरखरी गुलाम तो है नहीं भाई, दे रहे थे कई योजनाओं से, अब नहीं, इनका विचार बदल गया। विचार बदल गया, मन भर गया? मन भी भर गया और विचार भी बदल गया। यहाँ तो नलका बजेगा। 60,000 से जीत रहा, 70,000 से भूल जा। पहले ठोक दिया? ठोक दिया, हम तो ठोक ही दे लग गया। हाँ, हमने अकेले ने जब मुसलमानों ने नोट दी थी, 15,000 से आ रहा था, अब 6 बिरादरी और लगी हुई। हम कैसे हार रहे? हार रहे हम इलेक्शन, हमारी 1.5 लाख वोट है, 1,20,000 डाल रहे हम, 30,000 नहीं गिरती हमारी, के पादरे घर में पड़े पड़े एक का कोट गिरती है। लाइन में खड़े हो जाते, लाइन में हमें देख लो तो सब हट जाए, के राणा जी आ रहे हट जाओ।